हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यू आर वाचिंग फिट लैब बाय रोहित। तो इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं निक वॉकर 2023 की फिजिक का और माइकल क्रीज़ो जो कि प्रॉक प्रो अभी रिसेंटली 2023 में खेल कर आ रहे हैं। तो इन दोनों ही फिजिक का हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। हर एक पोजेस का कंपैरिजन होगा और साथ ही साथ जानेंगे किसके चांसेस ज़्यादा बेटर हैं 2024 के मिस्टर ओलंपिया में। तो मेक श्योर ये वीडियो पूरी जरूर देखना। तो भाइयों, फिजिक कंपैरिजन में फ्रंट डबल बाइसेप्स की बात करते हैं तो निक वॉकर इम्प्रेसिव है, काफ़ी अच्छा पोज मारते हैं ये। और इस पोज में ये एब्स कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, बट वो वाला पोज मैंने नहीं लिया है ताकि प्रॉपर कंपैरिजन कर पाएँ। तो इसमें माइकल क्रीज़ो इम्प्रेसिव लग रहे हैं, जो ओलंपिया में थे उससे ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग के साथ आए हैं। आप लेग्स देखोगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगने वाली है माइकल क्रीज़ो की। और दूसरी तरफ निक वॉकर भी काफ़ी अच्छे हैं, बट साइज़ लेग्स का ज़्यादा बेटर आपको माइकल क्रीज़ो का दिखने वाला है। और आर्म्स की बात करते हैं तो आर्म्स भी आपको माइकल क्रीज़ो की बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगने वाली हैं, और लैट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल कंडीशनिंग वाइज दोनों ही इक्वल हैं, बट साइज़ ज़्यादा माइकल क्रीज़ो का लग रहा है, तो ये पोज जीतते हैं माइकल क्रीज़ो। तो भाई, बात करते हैं फ्रंट लैट स्प्रेड में। तो फ्रंट लैट स्प्रेड निक वॉकर का बहुत ज़्यादा अच्छा पोज नहीं है, मतलब कि इस पोज में इनका गट इशू रहता है, बिकॉज गट काफ़ी बाहर को निकल के आता है तो अच्छा नहीं लगता है। और माइकल क्रीज़ो का ये पोज बहुत ज़्यादा शानदार है। मानना पड़ेगा कि माइकल क्रीज़ो ने ओलंपिया के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है, काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग अभी देखने को मिल रही है हमको। क्वाड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इनके, और मिड सेक्शन भी इम्प्रेसिव है, और ट्राइसेप शोल्डर चेस्ट में स्टाइलेशंस देख सकते हो, और गट भी कंट्रोल में है। तो ये पोज जाता है माइकल क्रीज़ो को। एनी साइड चेस्ट की बात करते हैं तो निक वॉकर की कंडीशनिंग नेक्स्ट लेवल है, और माइकल क्रीज़ो की भी अल्टीमेट है अपर बॉडी की, बट जब हम लोअर बॉडी की तरफ जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो माइकल क्रीज़ो के ग्लूट्स में कोई आपको कंडीशनिंग और साइज़ दिखाई नहीं देता है। वहीं अगर आप निक वॉकर का देखोगे तो ज़्यादा बेटर आपको लेग्स देखने को मिलने वाली हैं, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स ज़्यादा बेटर लगेंगे, और इस पोज में निक वॉकर ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग होल्ड करे हुए हैं, तो निक वॉकर जीतते हैं ये पोज। एनी साइड ट्राइसेप्स की बात करते हैं तो इसमें भी ग्लूट्स वाला साइड जो है निक वॉकर का स्ट्रांग है, और माइकल क्रीज़ो के ग्लूट्स इतने इंप्रेसिव नहीं है। बाकी हैमस्ट्रिंग स्क्वाड्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस एंगल से। और अगर ट्राइसेप्स की बात करें तो ट्राइसेप्स भी माइकल क्रीज़ो का बहुत रिप्ड दिख रहा है, शोल्डर में स्टाइलेशंस देख सकते हो, बट मिड सेक्शन अगेन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है माइकल क्रीज़ो का। और वहीं हम देखते हैं निक वॉकर का, तो निक वॉकर का अपर बॉडी ज़्यादा कंडीशन लग रहा है एज़ कम्पेयर टू माइकल क्रीज़ो, और ग्लूट्स भी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। तो ये पोज ओवरऑल कंडीशनिंग और साइज़ के अकॉर्डिंग जाता है निक वॉकर को। तो भाई, वो बैक लैट स्प्रेड, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे माइकल क्रीज़ो को काम करने वाला है। मतलब कि अगर आप लोअर बैक वाली साइड देखोगे तो बहुत अनइम्प्रेसिव है, और ग्लूट्स वाली साइड भी, हैमस्ट्रिंग भी सॉफ्ट दिखाई देती है। और वहीं आप निक वॉकर को देखोगे तो यार ये पोज बहुत शानदार आता है। वी टेपर उस लेवल का नहीं है, बट बैक में कंडीशनिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है, और आप ग्लूट्स देख सकते हो, हैमस्ट्रिंग्स देख सकते हो, बहुत ज़्यादा शानदार कंडीशनिंग होल्ड करे हुए हैं। तो ये पोज जाता है निक वॉकर को। और बैक डबल बाइसेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले माइकल क्रीज़ो के आप शोल्डर्स देखो, आर्म्स देखो, नेक्स्ट लेवल है। और निक वॉकर के भी ठीक ठाक हैं, बट जो माइकल क्रीज़ो के आर्म्स हैं वो नेक्स्ट लेवल है, आर्म्स और शोल्डर नेक्स्ट लेवल है। बट वहीं अगर आप लैट्स वाली साइड देखते हो, लोअर बैक वाली साइड देखते हो, तो आपको ज़्यादा इंप्रेसिव निक वॉकर लगने वाले हैं। तो ओवरऑल बैक ज़्यादा बेटर निक वॉकर की है। और ग्लूट्स की बात करें तो ग्लूट्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काफ़ी काम करने वाला है निक माइकल क्रीज़ो का। और निक वॉकर के हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत अच्छे कंडीशनड हैमस्ट्रिंग्स हैं। तो ये ओवरऑल पोज जाता है निक वॉकर को। तो भाइयों, एब्डोमिन विद थाई की बात करते हैं तो यार इस पोज में निक वॉकर के जो मिड सेक्शन है निक वॉकर का, एब्स में सेपरेशंस आप देख सकते हो, कितने बड़े बड़े एब्स हैं, बहुत अच्छा वेल डिफाइंड एब्स हैं। बट लेग्स वाली साइड देखते हो तो क्वाड्स कहीं ना कहीं उस लेवल की कंडीशनिंग नहीं देखने को मिलती है जो कि हमको माइकल क्रीज़ो की देखने को मिल रही है। और वहीं मिड सेक्शन की बात करें तो माइकल क्रीज़ो का बेटर हो रहा है मिड सेक्शन, और ओवरऑल फिजिक इस पोज में माइकल क्रीज़ो की ज़्यादा बेटर लग रही है। तो ये पोज जाता है माइकल क्रीज़ो को। तो भाई, मोस्ट मस्कुलर पोज की बात करें तो ये दोनों का ही अल्टीमेट पोज है, मतलब कि यार इसमें कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दोनों ही बहुत ज़्यादा रिब्ड दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो दोनों निक वॉकर या माइकल क्रीज़ो में से किसी को भी ये पोज दिया जा सकता है, बट ये पोज मैं दूंगा माइकल क्रीज़ो को। उसका रीज़न ये है कि उनके क्वाड्स ज़्यादा बेटर मेरे को लगे हैं थ्रू आउट द कंपैरिजन, और मिड सेक्शन भी इम्प्रूव्ड है लास्ट टाइम से, और
माइकल क्रीजो के यार आर्म्स शोल्डर बहुत ज़्यादा शानदार है, और इसमें तो चेस्ट और मिड सेक्शन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये पोज भी जाता है माइकल क्रीजो को। तो भाइयों ये कंपैरिजन जीतते हैं निक वॉकर, और इनके जीतने का रीज़न ये है कि जो माइकल क्रीजो है उनके बैक में काफ़ी कमियां हैं, बिकॉज लोअर लैट्स वाली साइड पे, ग्लूट्स वाली साइड पे, तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने वाला है हैमस्ट्रिंग्स वाली साइड पे। बाकी अगर निक वॉकर की बैक की बात करोगे तो यार बैक बहुत ज़्यादा शानदार है निक वॉकर की, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स बहुत अच्छे हैं, और फ्रंट से भी इतने बुरे नहीं थे कि माइकल क्रीजो को काफ़ी टक्कर दे रहे थे। तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो निक वॉकर ये कंपैरिजन जीत रहे हैं।